ओके अब आई होप स्क्रीन दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। ओके आपने ये माना था कि यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और फिर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना? यस सर। यस सर। लेकिन एक्चुअली इस केस में ना ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं होंगे आपके, और इनफैक्ट जब यहाँ से ऊपर आएगा इन दैट केस ऑल्सो इट विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे आपका हाँ ये लास्ट टाइम क्लास में पूछा था इन्होंने क्वेश्चन, एक डाउट। तो इसमें क्या होगा कि ये रुकेगा नहीं यहाँ पे पार्टिकल, तो यहाँ पे वी कैन नॉट से कि यार काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो हम ये केस नहीं मान सकते यहाँ पे। इस केस में हम जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं दैट कैन नॉट बी मे नॉट बी वैलिड, या फिर आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता हो तो आप बता सकते हो कि आपका वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट कंसेप्ट है वो फोर्स का ही होगा, आपको फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा और उससे आपको एंगल बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, ऐसे करके। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें मैंने जो सोचा था कि जो एमजी फोर्स लगेगा वो तो सर हमेशा मेन डायरेक्शन की तरफ लगता है। नो मेन की तरफ नहीं लगता है एमजी, तो मैंने इधर लगेगा ग्राउंड की तरफ लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस सर, वो तो नीचे लगेगा बिल्कुल। इसका जो यस एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हो सकता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वेरियस फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस एक्सेलरेशन मे बी टुवर्ड द मेन पोजिशन बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स, है ना? तो वो हो सकता है, ओके लेकिन सर। एमजी तो अपने सेम रहेगा, एमजी चेंज नहीं होगा। ओके ओके सर। यस सर। अच्छा सर, हम इसको ऐसे, मतलब मैंने एक सोचा था इसमें कि जैसे वर्क डन बाय जो बॉब है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और सर जो एक पीरियड के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो कह सकते हैं ना, तो सर उससे फिर हमारा वो आ सकता है या फिर सर इसमें कुछ गलती है? इसमें गलती यह है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तब हो सकता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो यहाँ पे उस ग्रेविटी के अलावा। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, यस सर। एंड इसको आप अगर वो करोगे तो आप लिख सकते हो डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इज माने इक्वल टू, आप लिख सकते हो डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा पी लिख सकते हो इस केस में अगर ये यस कॉन्स्टेंट सर। हो। लेकिन ये कब है यस जब, सर। ये कब है जब आपका कोई बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा आपका? यस सर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तब भी काम करेगा। हाँ, क्योंकि अगर ओके एक्सटर्नल सर, फोर्स तो यहाँ वर्क पे एफ करेगा, लग रहा है। हाँ एफ लग रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं रहेगी, कुछ बढ़ सकती है हमारी एनर्जी, तो यस सर। वी कैन नॉट से कि बोथ आर इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ओके ओके यस सर। ओके यस सर। सर, आर सर तो न्यूमेरिकल हमारी जो करें क्या फोर्स होगी कोई? वो एमजी होगी क्या चीज एमजी होगी? सर, जो फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल होगी वो एमजी ही आएगी। नहीं एमजी नहीं आएगी, तो हमने सॉल्व किया था ना, कुछ और वैल्यू आई थी ना, तो टेन थीटा वगैरह से निकला था हमने कुछ, एमजी आया था। अच्छा हाँ एमजी आया वो। यस सर। सर जो आपने बताया था मतलब फोर्स बैलेंस करके। हाँ अगर यहाँ एंगल 45 डिग्री है तो एमजी आएगा, अगर मान लो 30 डिग्री होता तो कुछ और आ जाता। यस हेलो, सर। वैसे यस तो सर। आप बाई चांस ये बराबर हो गए थे ना साइन और कॉस, तो इसलिए कट गए थे आपस में, क्योंकि यस सर। अगर ये 30 डिग्री यस सर। होता साइन 30 कॉस 60 डिफरेंट आता आपका। यस सर। यस यस सर। साइन यस 30 सर। कॉस सिर्फ 60 45 के केस में दोनों इक्वल आते हैं। हाँ केवल 40 केस में, तो उसमें डिफरेंट भी आ सकता है, तो एमजी बाय 2 आंसर आ सकता है आपका किसी केस में, ऐसा भी हो सकता है एमजी बाय रूट 3 आ जाए आंसर। यस सर। एम यस जी बाय सर। सर रूट 3 30 के केस में आ जाता। एक तरह से। यस सर। सर साइन थीटा और कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना? नहीं साइन और कॉस नहीं होते, साइन और कॉसेक होता है। यस सर। यस सर, ओके क्योंकि सर। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। चलिए तो अब हमारा शुरू से स्टार्ट कर ले, मोशन वगैरह देखना शुरू करें चैप्टर। यस 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 सर। सर, आजकल यस न्यूमेरिकल्स का भी सर डिफरेंट सर चैप्टर्स पे न्यूमेरिकल्स। नहीं सर, सही एक बात बार है, रिवीजन करा दो उसके एक्टर वाले में। एक चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं ना, एक क्लास से पहले मोशन देख लेते हैं। यस सर। ओके तो इसमें आप लोगों ने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देखा था, ये तो खैर आपके उसमें नहीं है, लेकिन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सर स्केलर, सर मैं जिसमें देता हूँ मतलब स्केलर स्केलर क्वांटिटी जिसमें सर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड वो डायरेक्शन क्वांटिटी होती होते है हैं सर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है सर। वेक्टर क्वांटिटी में सर, जिसमें स्केलर डायरेक्शन एंड और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते दोनों होती हैं। हैं। ओके
सर स्केलर क्वांटिटीज में हम जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज पे करते हैं सर, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में वो वेक्टर सम के रूल्स से होता है। ओके तो स्पीड क्या है आपका? स्केलर डिस्टेंस क्वांटिटी सर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी? वेक्टर, वेक्टर सर, वेक्टर, वेक्टर। डिस्टेंस स्केलर काइनेटिक एनर्जी सर, वेक्टर सर, वेक्टर सर, वेक्टर होगा सर क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी है इसमें। नो इट इज आल्सो स्केलर, ऑल एनर्जी आर स्केलर। ओके यस सर, ओके सर, कोई भी एनर्जी हमारी वेक्टर नहीं होती। इसमें वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी दो बार है, वेलोसिटी का प्रोडक्ट है यहां पे, तो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है यहां पे यस सर, स्केलर इनटू वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर। एक्चुअली दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं आपके, एक ये डॉट प्रोडक्ट होता है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं सर, तो ये स्केलर क्वांटिटी आती है। यस सर, यस सर, ठीक है। वेक्टर का जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है वो डॉट प्रोडक्ट से हम जब करोगे तो स्केलर ही आएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट के अलावा कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक, और मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई हम करेंगे वेक्टर को। डॉट प्रोडक्ट भी जो करते हैं उसका भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आपने सीधा बस मल्टीप्लाई कर दिया, उसका कुछ मेथड होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो आप पढ़ोगे yes, तो आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। अगर मैं बात करूँ आपको इलेक्ट्रिक तो आपने नहीं पढ़ा भी, अगर मैं बात करूँ बॉयंसी फोर्स ये क्या होगा? सर वेक्टर, सर वेक्टर क्या होगा? सर फोर्स है, सर फोर्स सर, क्योंकि ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, और सर वेट जो होता है वो हमेशा वो वेक्टर होता है ना, इसलिए। ओके गुड, तो मास क्या है सर? स्केलर, सर स्केलर, और वेट वेक्टर, सर वेक्टर। क्यों होता है वेक्टर ये सर? क्योंकि इसमें जी भी आता है, ग्रेविटी होती है, जी यूज होता है, एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है सर, फोर्स एक तरीके का ये। ओके जी क्या है आपका सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके तो वेक्टर है या स्केलर है? सर ये वेक्टर है सर, वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन किधर को डायरेक्शन होती है इसकी सर? डाउनवर्ड सर, डाउनवर्ड सर, टुवर्ड्स एंड towards the center of earth, towards the center of the earth। okay, g ka value hamara towards the center of the earth hota hai, theek hai। aur power kya hai aapka? sir scalar, sir scalar, sir scalar, power scalar hai। momentum kya hai sir? vector, 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 sir vector, m into v होता है ये, तो वेक्टर है। यस सर, यस सर, ओके। तो ये सब क्वांटिटी हमने पढ़ी थी कि स्केलर कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है, तो यस सर ऐसे आप निकाल सकते हो क्वांटिटी, है ना? मान लो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या आएगी सर? स्केलर, सर स्केलर, स्केलर। डेंसिटी को डायरेक्शन नहीं होती ना, तो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। Yes, sir, sir, yes, sir, दो स्केलर्स का जो रेशियो है सर, मास और वॉल्यूम वो होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, बिल्कुल। तो ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यस सर, ओके ठीक है। तो स्केलर वेक्टर हम लोग समझ गए कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं हमारे। अब आपने यहाँ पे बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड सर, एक्चुअल पाथ कवर्ड, पाथ कवर्ड और कार। ओके एक्चुअल पाथ कवर्ड या लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड? सर लेंथ ऑफ द एक्चुअल कार्ड, सर लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड।
ओके इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक आती है और ऐसे घूम के आती है उसकी जो लेंथ होगी सर वो डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस सर वो डिस्टेंस यस सर. और अगर हम इसको सेम को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे सर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. यस सर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. सर शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके इनिशियल एंड इट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. यस सर डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ. ठीक है ठीक है. तो शॉर्टेस्ट जो होगा वो हम बोल सकते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट. यस सर दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं सर. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है सर. डिस्टेंस जीरो जीरो नहीं होता सर. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है सर. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और कभी भी जीरो नहीं होता सर. डिस्टेंस जो है वो स्केलर है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्टेंस जो है वो मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है. ओके ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनीथिंग फॉर अ मूविंग बॉडी. यस सर यस यस सर. दोनों में से बड़ा कौन होता है वैसे. सर डिस्टेंस ज्यादातर डिस्टेंस होता है. इक्वल भी हो सकता है. इक्वल भी हो सकते हैं कुछ केसेस में सर. ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके इक्वल कब होता है सर. जब एकदम लीनियर पाथ लाइन होता है. जब लीनियर मोशन हो रहा है सर. स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके यस सर विदाउट चेंज. आपने क्वेश्चन किया है सर्कल में जब मूव करता हूं मैं. आर रेडियस का सर्कल है. सेमी सर्कल है. मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. पाई आर. पाई आर. सर पाई आर. और डिस्प्लेसमेंट सर 2r. 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 और डायमीटर सर. डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल. डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r हो जाएगा. r प्लस r 2r हो जाएगा. यस सर. यस सर सीधा सीधा डायमीटर d. और अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करता कि एक पार्टिकल ईस्ट गया और फिर नॉर्थ गया अब कितना आता डिस्टेंस. सर 5 आ जाता डिस्प्लेसमेंट. सर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में लेके आ जाओ. यस सर. और सर आपने वेक्टर लॉ वाला बनाया ना. पाइथागोरस थ्योरम. सर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे. सर वेक्टर लॉ जैसा लग रहा है सर. ये क्या वेक्टर लॉ कौन सा सर. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर. अच्छा 3 प्लस 4 इक्वल टू दिस क्या होता है. ट्रायंगुलर लॉ. और सर डायरेक्शन भी दे रखे हैं ना आपने. ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर क्या होता है सर. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सर. वेक्टर लॉ सर दो प्रकार के होते हैं सर. एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सर. दूसरा होता है सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. यस ओके. ओके तो आपने पढ़ा है. ये पढ़ा है सर ने क्या आपको. नहीं. नो सर. नो सर. अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है तो उसमें इतना टेंशन. ओके सर. अच्छा अगर एक पार्टिकल मेरा यहाँ से और मान लो यहाँ तक चला. दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री. तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा इस केस में. आर रेडियस. सर रेडियस क्या सर. इस केस में आपका आ जाएगा 2 पाई आर बाय 6 यानी सर पाई आर बाय 3. तो नहीं आपको डिस्टेंस बताना है सर. डिस्टेंस बताना है. सर पाई आर बाय ये लगाते हो फार्मूला. यस सर. यस सर. यस सर. सर पाई आर बाय 3. सर इसको वैसे सर
जैसे एल इज इक्वल्स टू थीटा इनटू आर सर पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो कर सकते हो आर्क बाय रेडियन कर लो यस सर पाई बाय 3 रेडियंस हो जाएगा ओके डिस्प्लेसमेंट सर मैं बताऊं सर आंसर है आर सर रेडियस अच्छा देखो चलो बाकी लोग भी एक बार देखो कितना आना चाहिए सर अंडर रूट 2r नो अंडर रूट 2r तो यहां तक जाएगा तब होगा सर आर ही आएगा सर इजी है बहुत हम यहां से यहां पे गए ना यस सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यस सर आर यस सर आर हो गया सर समझ आ गया सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना तो आर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सर रेडियस रेडियस सर 60 के इक्वल भी सारे इक्वल एंगल्स है ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा सर ये 60 दे ही रखा है सर 60 हो जाएंगे बिल्कुल ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और तीनों का सम 180 होना चाहिए आपका यस यस सर 2x + 60 = 180 और x 60 आ जाएगा बिल्कुल तो ये हमारा 60 दिया हुआ था ऑलरेडी तो वी कैन राइट 2x मान लो उनका एंगल x है थीटा मान लो 2 थीटा + 60 शुड बी 180 तो यहां से मेरा थीटा आ जाएगा 60 डिग्री तो ये एंगल यहां पे 60 हो गया तीनों एंगल 60 हो गए यानी यस सर इक्विलेटरल बन गया इक्विलेटरल बन गया तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फिर सर आर सर आर आर इसके इक्वल हो जाएगा इक्विलेटरल एंगल दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू आर ठीक है ओके सर ओके सर आप ऐसे ही एक एक दो दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के दे दीजिए तो सर हम सॉल्व करके बता देंगे अगर मैं मान लो ईस्ट गया पहले 5 मीटर फिर नॉर्थ गया सपोज लेट अस से 8 मीटर और फिर अपवर्ड गया सपोज मान लो कुछ भी मान लो 7 मीटर तो व्हाट इज माय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर अपवर्ड क्या अपवर्ड मतलब कि वहां से मान लो मैं ऊपर चढ़ गया कोई लिफ्ट लगी थी यहां पे और लिफ्ट से मैं ऊपर चला गया 7 मीटर पहले मैं ईस्ट गया फिर मैं नॉर्थ गया और फिर मैं सर डन ओके बाकी लोग भी सोचो कैसे करेंगे इसको ईस्ट 5 मीटर सर डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा हां डिस्टेंस तो सिंपल है 8 और 5 और प्लस सर 30 ये बताओ ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट यस सर 20 मैं फिर यहां से ऊपर को चला गया ऐसे तो डायग्राम में आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा सर अपवर्ड बोला गया है ना तो वो तो सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा वो वैसे ही नॉर्थ में है यस सर मैं भी नहीं यहां अपवर्ड का मतलब ये है कि मैं सर मतलब ऊपर उड़ गया ऊपर उड़ गया सर डन डन अभी रुको ही पूछता हूं पहले मैं ऐसे गया फिर मैं नॉर्थ गया और फिर यहां से मैं ऊपर को चला गया ऊपर को मतलब कि यहां से ऊपर चला गया समथिंग ऐसा यहां लिफ्ट लगा हुआ था कोई और मैं उससे ऊपर चला गया सर वो तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना ऐसे मान लो क्यूब में ये क्यूब है ना क्यूबॉइड मान लो ये तो आप पहले गए डन अच्छा अभी बताता हूँ ये पूछता हूँ पहले आप गए ईस्ट फिर आप गए नॉर्थ और फिर आप चले गए ऊपर
अब समझ में आया? यस सर। 5 मीटर, 8 मीटर एंड 7 मीटर, ये है कंडीशन। तो यहाँ पहुंच गया आप, यहाँ से स्टार्ट करके। डन? यस सर। यस सर डन। अच्छा, बाकी लोगों को मौका दो, थोड़ा 30 सेकंड का मौका दो सोचने को सबको। डन। अच्छा बताओ कैसे किया है फिर, कोई भी सर कहना है? सर मैं आए नारायण को बता दो। सर पहले तो हम डाय मतलब सर जो हमारा 5 और 8 का बेस लेंगे सर, उसमें हमारा जो हाइपोटेनस है सर, उसको हम मतलब निकाल लेंगे। ओके, मान लो मैं कर देता हूँ ए बी सी डी, तो आपने ए सी निकाल लिया। यस सर। सर √89 के इक्वल आ गया वो। √89 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर प्लस करेंगे तो सर हमारा आंसर √138 आ जाएगा। तो इसके लिए हम सीधे भी तो कर सकते थे अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो जो स्पेस डायगोनल होता है वो L² + B² डायगोनल ऑफ अ प्रिज्म के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, वो भी कर सकते थे, वो भी हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों अप्रोच करेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे √89 का स्क्वायर आ जाएगा ये, मीन्स AD = AC² + DC²। तो this will come this much plus this much, so ye 89 plus 49 I think root 138 aa raha hai. Okay sir, 138 to itna aayega answer hamara finally AD. yes sir, yes sir, my displacement is 138 root. theek hai, yes sir, samajh mein aaya concept ye? Yes sir. Yes sir. Or directly we can write AD = 5² + 8² + 7² ये आपका formula होता है, जो room का diagonal होता है या cubed का diagonal होता है, उसका जो length होता है वो होता है L² + B² + H² ठीक है? Yes sir. Okay, तो आपसे अगर ऐसा question पूछे कोई की क्या नाम बोलते हैं, कोई रूम है उसमें आपको रॉड रखनी है कोई, तो मैक्सिमम साइज ऑफ द रॉड कितना हो सकता है? दिस कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द रॉड, स्पेस डायगोनल के इक्वल, स्पेस डायगोनल, यस द स्पेस डायगोनल, इससे बड़ा रॉड नहीं रख सकते हम रूम के अंदर? नो सर, यस सर, यस सर, नहीं रख सकते सर। जैसे स्क्वायर में सर नॉर्मल डायगोनल होते हैं, वैसे ही क्यूब में या क्यूबॉइड में स्पेस डायगोनल होती है। हां, उसमें हम लोग स्पेस डायगोनल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला जो हम कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है कि कोई इंसेक्ट यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि कोई एंट जो है वो यहाँ पहुँच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? तो डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग बट डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस थिंग। ठीक है, यस सर। ओके सर, एक सेकेंड सर, इसी पर डन। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल माना था नीचे वाला सर, डन सर, 2 मिनट पहले हमने ये ट्रायंगल माना था, यस सर, 5 और 8 वाला, उससे हमने एसी निकाला, फिर हमने ये ट्रायंगल माना, यहाँ से हमारा एसी आ गया था, फिर हमने ये ट्रायंगल माना और फिर यहाँ से हमने एडी निकाला।
मैं यहां बनाता हूं, इसी वाला ट्रायंगल यहां बना लेते हैं क्योंकि हमने यहां पे निकाला ना इसी। सर डन। तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना आपको। अच्छा बताओ, एक आदमी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने ऑफिस गया और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घर आया। यस सर। एवरेज सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? सर जीरो। सर जीरो। 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 जीरो का डिस्प्लेसमेंट सब लोग एग्री हैं? यस सर। यस सर। क्योंकि हम लोग अपना घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो। यस सर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे वापस आ। ओके। ठीक है तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। यस सर। आई फाइंड एवरेज स्पीड ये कितना आएगा सर? 24 अपॉन 7 सर। 24 अपॉन सर। 24 अपॉन सर। 24 बाय 7 मीटर पर सेकंड। यस सर। इसका एक फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सर अगर सेम डिस्टेंस सर सेम डिस्टेंस टू डिफरेंट वेलोसिटी से अगर सर मतलब ट्रैवल किया हमने तो सर उसके मतलब उसके लिए फार्मूला होता है सर ये। करेक्ट करेक्ट। कैसे आता है फार्मूला ये सर? मैं बताऊं? बताओ पहले फार्मूला बताओ उसके। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है अब बताओ अभी क्या करेंगे? टोटल टाइम सर। इसमें हम सबसे पहले एक पाथ ले लेते हैं ए बी। अब सर इसमें जो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा वो जाने का और आने का मिला के 2 times AB आ जाएगा, यानी 2 times टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल टाइम जो हो जाएगा पहला जाने का टाइम, दूसरा आने का टाइम। सर इसमें फिर हम S इज इक्वल्स टू UT जो फॉर्मूला, इससे टाइम को हम डिस्टेंस बाय फर्स्ट वेलोसिटी। तो सर ऐसे हम लिख सकते हैं टाइम वन को डी बाय वी वन और टाइम टू को डी बाय वी टू। इसके बाद फिर सर ऊपर और नीचे से d तो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ऊपर जो 2 into v1 into v2 upon v1 plus v2 आ जाएगा। ओके तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेके। तो एवरेज स्पीड का ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। It is the ratio of the total distance covered by total time taken. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, this is the definition for average speed. Average velocity ki definition kya hai? Sir, total displacement upon displacement upon total time. Total time. Is case mein agar hum likhenge average velocity kitna aayega? सर जीरो। सर जीरो। सर जीरो। जीरो। सर जीरो। ठीक है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो एवरेज वेलोसिटी विल बिकम जीरो। इस केस में जीरो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी का एक ये भी तो होता है यू प्लस वी बाय टू। इफ यू हैव द एक्सेलरेटेड मोशन इन यस सर उसी केस में। यस सर। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शुड बी देयर तो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। ओके। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो एवरेज स्पीड है ना सर, सर मेरा आ रहा है 24 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड। बाकी लोगों क्या आ रहा है? यस सर। यस सर सेम। सेम सर सेम ही आ रहा है। सर सेम ही आ रहा है। सर सेम ही आ रहा है। करेक्ट है 24 अपॉन 7। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे एवरेज मतलब एक्सेलरेशन निकालनी है तो
तो उसमें भी हम केवल फाइनल वेलोसिटी और बस इनिशियल वेलोसिटी और टोटल टाइम इलैप्स देखते हैं। अगर क्या निकालना है हमें सर? जैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है और एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से कुछ टाइम के लिए चला है। तो सर इसमें फाइनल और इनिशियल ही देखते हैं, बस वेलोसिटी और माइनस करके उसे टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। वैसे तो कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा सर? एक्सेलरेशन रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। यस सर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो v माइनस u बाय t, u अपॉन t माइनस u बाय t, ये हमारा एक्सेलरेशन आता है। यस सर। अब आप अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ भाई? एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा मैं इसको अपॉन टोटल। यस सर। यस सर, बाय टोटल टाइम लिखूंगा। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यस सर। यस सर, फाइनल माइनस इनिशियल टोटल टाइम तो टी आएगा, तो यही आएगा, है ना? ओके सर। इसके वजह से एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, सॉरी सर, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस एक्चुअली एक्सेलरेशन तो अगर आपकी वेलोसिटी मान लो पहले ये बोलने की यू है, फिर यू टू कुछ और हो गई, यू डैश हो गई, फिर U double dash हो गई, फिर finally V हो गई। अगर आप acceleration निकालोगे, यहाँ का लगाएगा, यहाँ का लगाएगा, यहाँ का लगाएगा, है ना? A one आएगा, यहाँ का acceleration, यहाँ का A two, यहाँ का three। तो अगर मैं average acceleration निकालना चाहूँ, तो what will I write? I will write this thing: total change in velocity by total time। तो ये average acceleration है, ठीक है? तो acceleration एक अलग चीज़ है। acceleration हम define करते हैं जब एक आपका motion हो रहा है। Yes sir। एवरेज तब होता है अगर आपका बार बार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हम एवरेज की बात करते हैं। सर टोटल इनिशियल वेलोसिटी या फिर टोटल फाइनल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी तो एक ही होगी ना? हाँ, तो हमने टोटल तो नहीं लिखा, हमने तो ये लिखा भी टोटल चेंज इन वेलोसिटी लिखा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टोटल चेंज मतलब जो फाइनल आपने ली है वो ले लो और इनिशियल ले लो बस, बाकी बीच की छोड़ दो। ओके सर। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये मोशन एक्सेलरेटेड होता है या नहीं होता है? यस सर, होता है। यस सर, होता है। यस सर, एक्सेलरेटेड मोशन है। यस सर, होता। एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो? यस सर। यस सर, नॉन जीरो बट एक्सेलरेटेड होता है। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बार बार, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, इसलिए। यस सर, यस सर, मोमेंट से चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे अलग-अलग वेलोसिटी हो रही है। अच्छा, अगर स्पीड सेम हो तब भी? यस सर, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा सर सेम। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, तो कितनी वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर, वी स्क्वायर बाय आर। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी सर? इसकी टुवर्ड्स द सेंटर सर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना। यस सर, बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो टुवर्ड द सेंटर होता है हमेशा, है ना? यस सर, जैसे सन के साथ होता है सर, सन और अर्थ, सन और अर्थ सिस्टम जैसा होता है। ओके, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। यस सर। ओके ठीक है सर। प्लैनेट 9 पे सर सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगता है क्या सर? इतना टाइम लगता है सर उसे रिवॉल्यूशन करने में? जितना आपका आर ज्यादा होगा सर, ये तो ग्रेविटेशन फॉर्मूला ही है सर, उसका आर ज्यादा होगा तो टाइम फोर्स कम हो जाएगा ऑब्वियसली, और फोर्स भी कम हो जाएगा उसको घूमने के पाथ भी लंबा ट्रेवल करना है उसको, दूसरी बात। यस सर, सर क्योंकि सर वो अर्थ से सर 10 times लार्जर बता रहे हैं, और सर उसे 10,000 ईयर लगते हैं सर वन रेवोल्यूशन करने में। बताओ 10,000 ईयर,
सर इसलिए तो नहीं देख पा रहे हम. ओके सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होती है? जीरो. सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होती है. जीरो. यस सर, ऐसा सवाल भी था ना कि सर बीच में पूरा खोद दो दोनों पोल से, तो अगर आप एक पोल से जाओगे तो क्या होगा? तो सर उसी में आप जाते अंदर जाते रहोगे. सर वैसे सर इसका सर रीजन क्या है बताओ भाई, क्या रीजन है इसका? जीरो क्यों होता है सर? कुछ रेडियस बचता ही नहीं है सर जीएम बाय आर स्क्वायर होता है तो, क्योंकि आप उसके सेंटर पे ही हो. कोई अब और आंसर? सर क्योंकि जब हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो हम डेप्थ में जाते हैं, तो जैसे हम ऊपर की साइड देखते हैं तो वहां पे जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 1/r² से, मतलब इससे प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. लेकिन जब हम अंदर की साइड जाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, क्योंकि अंदर जितना मास उस पर फोर्स लगा रहा होता है वो अर्थ का कॉन्स्टेंट मास नहीं बचता है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो कैंसिल होते जाता है. और अर्थ की डेंसिटी को सर कांस्टेंट अज्यूम कर हम करते हैं, तो उससे हमारा ये रिलेशन निकलता है कि जी डैश जो होता है जी टाइम्स 1 माइनस डेप्थ अपॉन आर होता है. और सर जब पूरी डेप्थ आर के बराबर हो जाएगी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इसलिए वो जीरो हो जाता है. ये बोल सकते हैं या फिर मैं और सिंपल वे में बोलूं तो जब आप सेंटर पे जाओगे इसमें जी आ क्यों रहा था? जी इसलिए आ रहा था क्योंकि सारे ये जो अर्थ था इसे अटैक कर रहा था, इसलिए जी आ रहा था यहां पे. अब जब मैं अंदर जाऊंगा सेंटर पे तो क्या होगा? सारे पार्टिकल फोर्स लाएंगे, सब डायरेक्शन फोर्स लाएंगे. यस सर. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? सर जीरो. तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर जीरो. सर जीरो. सर जीरो. जीरो हो जाएगा. ठीक है, सेंटर के लिए हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, सब डायरेक्शन से बराबर फोर्स लगता है तो नेट हमारा जी जो है जीरो हो जाता है. ठीक है. यस सर. सर कुछ लोग सर सर कुछ लोग ना सर उन्हें बताते नहीं है सर दोनों डायरेक्शन में. सर ये एग्जांपल नहीं देते कि दोनों पोल्स पे अगर आप टनल खोद दो, सेंटर को भी सर जो कर नहीं सकते पर अगर कर दिया तो आप उसमें इंफिनिट लूप में फंस जाओगे जब तक आप मर नहीं जाओगे. सर ऐसे कुछ लोग फ्लैट बोलते हैं इस वजह से दुनिया. या पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा ना 11th क्लास में, तो वहां पे yes, निकाला गया है. यस yes. क्या पूछ रहे हैं, कुछ और बोल रहे थे कोई भी? यस सर. सर मैं ये पूछ रहा था एक बार सर, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो सेंटर की तरफ लगती है सर, लेकिन उसी के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है जो बाहर की तरफ लगती है. सर एक बार मुझे बस ये आप क्लियर कर दीजिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और सपोज एक कार घूम रही है और उसके अंदर मैं बैठा हूँ, तो जो सेंट्रीपिटल लगेगी वो कार पे लगेगी और सेंट्रीफ्यूगल मुझ पे लगेगी, या फिर सर दोनों पे सेंट्रीपिटल फ्यूगल दोनों लगेंगी? दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कि आप कौन से फ्रेम से देख रहे हो. अगर मान लो मैं सड़क पे खड़ा हूँ और आपको देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल yes, आप जो है सड़क में गोल चल रहे हो तो आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ को. मुझे दिखेगा कि आपको एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. yes, sir. अगर मैं खड़ा हूँ, देखो दो चीजें इसमें, अब इसको लेकिन आने दो टॉपिक को, पहले बीच में नहीं लाते हम लोग, फिर नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. ओके सर. इसको आने दो टॉपिक को, फिर डिस्कस करते हैं. ओके सर. यहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया था बीच का, मैं एक्चुअली एक्सेलरेशन पूछने वाला था आपसे कि अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से घूम के ए से घूम के बी पे आ गया, इसका मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आएगा? यस सर. ए से बी तक क्या आएगा एक्सेलरेशन? सर वेलोसिटी जो है वो हमें वी गिवन है. वेलोसिटी u गिवन है, हां, और रेडियस r गिवन है, या v मान लो वेलोसिटी v है और रेडियस r है. सर v स्क्वायर अपॉन 2r. v स्क्वायर अपॉन 2r क्यों? सर 2 मीटर चाहिए. सर 2v by t होगी क्या? 2v by t लेना पड़ेगा ना यहाँ पे. आपकी वेलोसिटी yes, yes, पहले ऐसे sir, है, डायरेक्शन एकदम से चेंज हो गया ना, फिर ऐसे हो गया. a पे हमारी डायरेक्शन इधर को है और b पे इधर को है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका? v minus minus v ऐसे आ जाएगा कुछ? यस सर. यस सर 2v.
टाइम कितना लिख सकता हूं मैं पाई आर बाय वी यस सर क्योंकि मैंने पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया ए टू बी जाने में यस सर तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर बाय पाई आर ठीक है तो एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जब आप उसको ट्रीट कर रहे हो वेलोसिटी को तो यू हैव टू टेक द डायरेक्शन आल्सो इनटू कंसीडरेशन आपको डायरेक्शन भी देखनी है कि हमारी डायरेक्शन किधर को है उससे हम निकालेंगे क्लियर यस सर अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन पूछता तो क्या था इसी क्वेश्चन में अगर चेंज इन एक्सेलरेशन पूछा होता आपसे तो क्या था सर चेंज इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल ही होगा यहाँ पे सर जीरो सर जीरो नो सर जो हमारा सर 2v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा क्या करेक्ट एक्सेलरेशन हमारा कैसा क्वांटिटी है सर वेक्टर क्वांटिटी है सर वेक्टर तो चेंज इन एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो a2 - a1 वेक्टर करोगे यस सर और सर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो है ना तो आपका जब ये पार्टिकल घूम रहा है तो एक बार आपका एक्सेलरेशन जब ये b पे जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर को होगा सेंटर की तरफ को Yes, sir. This is your A2. तो A2 जो हमारा आएगा वो V square by R इधर को आएगा और A1 जो है वो इधर को आएगा कुछ Yes, sir. Acceleration change हुआ है हमारा Yes, sir. Change हुआ है Yes, sir. है ना केवल magnitude से नहीं बोल सकते हम direction भी दिखाना पड़ेगा हमें तो direction change हुआ है इसका तो we can write A2 minus A1 तो A2 को मैं चाहो तो minus V square by R लिख लो माइनस ए वन को प्लस वी स्क्वायर बाय आर लिखो तो चेंज हमारा आ जाएगा माइनस टू वी स्क्वायर बाय आर ये क्लियर हुआ है सब लोगों को यस सर बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है एक्सेलरेशन yes. एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी टुवर्ड द सेंटर तो जब वो चेंज so, निकालोगे क्या लिखा है माइनस वी स्क्वायर माइनस क्या लिखा है माइनस वी स्क्वायर बाय आर माइनस वी स्क्वायर बाय आर फिर दोबारा से ए वन की वैल्यू और ए टू की वैल्यू है ये ए टू की वैल्यू ये है माइनस वी स्क्वायर बाय आर क्योंकि इधर को है तो मैंने माइनस वी स्क्वायर बाय आर रखी है इसकी वैल्यू और ए वन की वैल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय आर है तो मैंने प्लस वी स्क्वायर बाय आर रखी है लेकिन बीच में एक माइनस साइन बीच में एक माइनस साइन भी था तो एक माइनस यहां से आ गया आप जब दो वेक्टर को चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मान लो मेरी स्पीड इधर को 30 मीटर पर सेकेंड थी और थोड़ी देर बाद मेरी स्पीड इधर को हो गई 30 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज माय चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे -30 v2 -v1 की वैल्यू कितनी रखोगे -30 सर -30 और v1 की वैल्यू सर 30 सर सिर्फ 30 तो कितना आंसर आया -60 सर -60 मीटर पर सेकंड अगर ये होता स्पीड सर v2 की सर माइनस अगर ये होता है चेंज इन स्पीड अब क्या लिखता मैं सर जीरो सर जीरो क्योंकि अब मैं केवल मैग्नीट्यूड पुट करता है यहाँ पे यस सर यस 30 माइनस 30
सर जीरो आ जाता, जीरो आता, तो वेक्टर को हम ऐसे माइनस करेंगे विद साइन और स्केलर को केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। अब समझ में आया, एक्सेलरेशन मैंने, एक्सेलरेशन मेरा वी स्क्वायर बाय आर था, वो वेक्टर क्वांटिटी थी, उसका मैंने डायरेक्शन भी देखा, डायरेक्शन किधर को है इसका, ए2 का और ए1 का, इनको माइनस करने के लिए मैंने डायरेक्शन देखा तो मैंने माइनस साइन के साथ इनको पुट किया। अब क्लियर हुआ? यस सर। इसका डाउट था ये डाउट क्वेश्चन? ओके सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके। मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है वो ए1 को माना है? नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को नहीं माना, मतलब चेंज निकाला ना, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरा ए2 है, इनिशियल मेरा ए1 है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डाउट क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन है और टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन है, इन दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? कोई रिलेशन दोनों में, रिलेशन एवरेज एक्सेलरेशन और चेंज इन एक्सेलरेशन में नहीं, ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है, निकालना चाहो तो कोई बना सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं कोई। सर मतलब ऐसा नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट एक तरह से हम कह सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हो। ओके सर, ठीक है सर। एक बार एवरेज एक्सेलरेशन और चेंज इन एक्सेलरेशन हमसे समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा बता दो। एक सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से लग रही है, एक सर जो वेलोसिटी है सर, एक बार वो टॉपिक दोबारा, मतलब क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। ओके भाई, चेंज इन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन एक्सेलरेशन तो ये चीज है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन समथिंग होता है, तो चेंज कैसे होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर, यस सर, फाइनल माइनस इनिशियल। एवरेज, यस सर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब आपका एवरेज वेट निकालूं, मान लो क्लास में आप 30 बच्चे हो, मैं एवरेज आपका मास निकालूं या वेट निकालूं सपोज, तो कुछ कैसे लूंगा एवरेज में? सबका मास ऐड करूंगा सर। यस, टोटल मास, सबका मास ऐड करके अपॉन 30 हो जाएगा। सबका मास ऐड करके अपॉन 30 कर दे, अपॉन 30 कर दूं, मतलब जिसका मास होगा सबका, मैं 30 स्टूडेंट का मास ले लूंगा। यस सर, यस सर। अच्छा मान लो ये एवरेज मेरा 45 आ गया। यस सर, इसका मीनिंग क्या है 45 का? सर हर स्टूडेंट का 45 वेट होगा, तो सर मतलब टोटल 45 इसका मतलब ये सर पूरी क्लास का टोटल वेट 1350 केजी है। हां, इसका मतलब ये हुआ कि हां, एक तो ये मतलब है इसका, दूसरा मतलब ये है कि अगर मैं 30 बच्चे ले लूं 45 केजी के, तो उनका वेट मिला के आपकी क्लास के वेट के बराबर होगा। यस सर, है ना, 30 स्टूडेंट ले लूं 45 वाले, तो उसका वेट सबका मिला के आपकी क्लास में जितना मास है उतना बराबर होगा, है ना? यस यस सर। तो ये एवरेज मास हुआ हमारा। अच्छा, तो टोटल वेट बाय टोटल वो लिया आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए। यस, अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं। मान लो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम अपॉन टाइम, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट। यस सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी ले लेता हूं, टोटल मैंने फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। यस सर, और टाइम से डिवाइड कर देता हूं। यस सर, तो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस सर, और चेंज इन एक्सेलरेशन जब मेरे को निकालना होगा तो वो क्या आएगा? अगर चेंज इन एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो मेरा होगा a2 - a1, a2 - a1। यस सर, यस सर। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो चेंज इन एक्सेलरेशन आएगा, नहीं तो जीरो भी आ सकता है ये, अगर चेंज नहीं हो रहा तो। यस सर, यस सर, उस केस में जीरो आ जाएगा ये, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन तो उस केस में भी आएगा। अगर आपका एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो स्पीड चेंज होगी आपकी। यस सर, सो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। यस सर, दोनों में डेफिनेशन में फर्क है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब टोटल चेंज कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लिया आपने, वो एवरेज है, ठीक है? टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में और टाइम कितना लिया आपने, वो एवरेज एक्सेलरेशन है। और चेंज इन एक्सेलरेशन तो जैसे आप निकालते हो नॉर्मली वैसे है, कोई भी चीज का चेंज आप कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यस सर, सर एक बात समझ रहे हैं, हमने एक केस में सर जो वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही बोली, और सर सेकंड केस में हमने जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है बोली, सर वो बात समझ नहीं आई।
इस केस में बोल लो आप। यस सर, जो क्वेश्चन में हमने दोनों डिफरेंटली सर, एक केस में हमने ए एवरेज लिया। यस सर, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यस सर, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी लिखी और फाइनल वेलोसिटी लिखी। यस सर, और उसका डिवाइड बाय टाइम कर लिया। यस सर, एवरेज आ गया। यस सर, ये ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना था, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना था। यस सर, चेंज इन एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ही निकालना मुझे, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना। यस सर। यस सर, तो कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल एक्सेलरेशन लूंगा, इनिशियल एक्सेलरेशन माइनस फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहां पे सर, यहीं पे कंफ्यूजन है सर। जो हमने एवरेज एक्सेलरेशन तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर निकाले, लेकिन सर और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होती है, तो सर इसमें v स्क्वायर अपॉन r लेंगे जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। करेक्ट। देखो एक्सेलरेशन दो तरह भाई, जो आपकी वेलोसिटी ऐसे होती है, दो तरह की होती है, इंस्टेंटेनियस होती है और एक एवरेज होती है। यस सर, दोनों में डिफरेंस है। यस सर, इंस्टेंटेनियस उसी इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। मान लो मैं यहां से दिल्ली से मुंबई गया, मेरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई गई सपोज, तो कभी तेज चलेगी 120 की स्पीड से, कभी वो स्पीड 5-10 किलोमीटर भी हो जाएगी, कभी रुक भी जाएगी स्टेशन पे जाके, जीरो भी हो जाएगी स्पीड। यस यस, तो वो कौन सी स्पीड है मेरी जो चेंज हो रही है 120 10 5 0, वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस है। और अगर मैं मान लो दिल्ली से मुंबई मेरा लगभग 1400 किलोमीटर है, मान लो मैं इस समय 17 घंटे में ट्रेन पहुंचाती है 18 घंटे में, तो 1400 डिवाइड बाय 18 करूंगा तो कौन सी वेलोसिटी आएगी सर? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज है ना, एवरेज स्पीड आ जाएगी इनफैक्ट, क्योंकि वो स्पीड होगा क्योंकि स्ट्रेट तो जाएगी नहीं। यस सर, तो स्पीड मान लेते हैं या वेलोसिटी मान लो सेम है, मान लो स्ट्रेट ट्रैक है, दोनों सेम है, अभी कंफ्यूज नहीं होते, तो वो एवरेज आई और एक इंस्टेंटेनियस आई, इन दोनों में फर्क क्लियर हो गया दोनों में सबको? यस सर, यस सर, ठीक है। अब ऐसे यहां पे जब एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, तो एक एक्सेलरेशन मेरा एवरेज आ रहा है, जो मैंने टोटल निकाला था इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वहां से निकाला। यस सर, और एक मैंने जो यहाँ पे रखा है चेंज इन एक्सेलरेशन, वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन पुट करूंगा मैं, जब मैं ए फाइनल और ए इनिशियल लिख रहा हूँ तो कौन सा एक्सेलरेशन लिखूं, इंस्टेंटेनियस लिखूंगा? यस सर। भाई जब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे या टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर, जब मैं चेंज निकालूंगा तो मैं फाइनल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इनिशियल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पुट करूंगा यहाँ पे। यस सर, और वो कितना होता है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सर? v स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यहां पे मुझे सेंट्रीपेटल पुट करना पड़ रहा है - v स्क्वायर अपॉन r, तो यहां पे मुझे सेंट्रीपेटल पुट करना पड़ रहा है यानी। यस सर। यस सर, और जब मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो मुझे फिर उससे निकालना पड़ रहा है टोटल, मैंने वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। यस, तो इन दोनों में ये फर्क है। अब क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर, अब क्लियर हो गया। तो थैंक यू सर। ओके वेलकम सर। v स्क्वायर अपॉन r इंस्टेंटेनियस है। हाँ बिल्कुल, v स्क्वायर बाय r उस टाइम पे है ना, आपने बोला जब यहाँ पे था तो इसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r था इस तरफ को, अब जब यहाँ पे आ जाएगा मान लो तो भी v स्क्वायर बाय r होगा लेकिन इस तरफ को हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस होगा ना, इस इंस्टेंट पे इधर को है, इस इंस्टेंट पे इधर को है। 2v - 2v स्क्वायर अपॉन r एवरेज है। ये तो एवरेज आया कि एवरेज एक्सेलरेशन पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया जब ये घूम के यहाँ पे आया, तो इसका एक्सेलरेशन ये था, फिर ये था, फिर ये था। आपको अगर सर मैं एवरेज ऐसे निकाल सकता a1 plus a2 plus a3 करके, एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लो a1 था, यहाँ पे a2 था, फिर a3 था, फिर a4 था, फिर मान लो यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया इसको सर्कल को 5 पार्ट में या 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया जैसे भी, और आप बोलो सर मैं तो ऐसे निकालूंगा एवरेज एक्सेलरेशन a1 plus a2 plus a3 plus a5, तो क्या गलत है, निकाल सकते हो? यस सर। यस सर, लेकिन आएगा जब भी सेम ही, आएगा जब भी सेम ही, लेकिन है ना सेम आएगा लेकिन निकाल नहीं पाओगे आप, क्यों नहीं निकाल पाओगे सर? क्योंकि वेलोसिटी हर उस पे चेंज होती है ना। नहीं वेलोसिटी तो यस सर, स्पीड तो सेम है। हाँ सर, हमें जो डायरेक्शन है उसका नहीं पता, हर बार डायरेक्शन चेंज होगी, ये रीजन है। हमारी जो डायरेक्शन है सर, एक ऊपर एक राइट, अगर मान लो आपने मान भी लिए पॉइंट, आपने पॉइंट मान लिया कि मेरी ये इधर को पॉइंट है, ये एंगल वेंगल आपने निकाल लिए, सारे एंगल भी निकाल लिए आपने कि मेरा जो, सॉरी दोबारा बनाओ डायग्राम, मान लो आपने निकाल लिया कि इस पॉइंट पे मेरा एंगल इधर को है, इस पॉइंट पे ये 10 डिग्री है, इस टाइम पे 20 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, सब निकाल लिया आपने मान लो तब भी, अब आपको इनको ऐड करना है a1 plus a2 को, ऐड कैसे करोगे वेक्टर को? यस सर, सर जब आप ऐसे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं सर, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये वेक्टर को, ऐड कैसे करते हो आप? 30 माइनस 20 लिखते हो? यस सर, यस सर, टेन आता है, और अगर ऐसे होगा 30 और 20 तो कितना आएगा सर? 50 सर, 50, लेकिन मान लो ये ऐसे हो गया 20 और 30, अब कितना आएगा? तो ये तो हमने पढ़ा नहीं? नो सर, नो सर, तो पढ़ा नहीं। तो ऐसे यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है आपका वो इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, तो इनको जोड़ोगे कैसे? जोड़ नहीं पाओगे आप लोग तो? यस सर, सर जो आपने बनाया है सर 20 30 और बीच में 60 सर, उसमें हमें ऐसे करना पड़ेगा ना 20 cos 60 plus 30? नहीं, 20 cos 60 अगर आप करोगे प्लस 30 करोगे तो आपने 20 का एक कंपोनेंट ले लिया इधर को। यस सर, 20 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, इससे ऐड कर लिया, ठीक है, लेकिन एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा 20 का। यस सर, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो टोटल आएगा ना 20 प्लस 30, 20 cos थीटा प्लस 30, उसका स्क्वायर, वो रिजल्टेंट आएगा। इसको हायर क्लास में पढ़ोगे, इनका फॉर्मूला होता है कि ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब ऐसे दो एंगल पे आते हैं ना वेक्टर आपके, तो ये रिजल्टेंट आता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एवरेज एक्सेलरेशन ये भी हो सकता है, आप अगर निकालना चाहो, लेकिन ये आप निकाल नहीं पाओगे, इसलिए हमने बेसिक डेफिनेशन से निकाला। एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली v माइनस ये करके, और बाय टाइम कर लिया, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तब भी यही आएगा। यस सर, और कोई डाउट पूछ रहा था, बताइए क्या डाउट पूछ रहे हो? जो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन है बी स्क्वायर बाय आर, तो ये जो एक्सेलरेशन है इस सेंटर की तो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होगी, बिल्कुल, हर 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 इंस्टेंट पे, बिल्कुल। तो हमने एक जगह उसकी डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया और दूसरी जगह पे आकर हमने डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर है ना, तो सेंटर तो हमारा द पार्टिकल आपका इस साइड है, तो सेंटर उसके इधर की तरफ है, इधर को वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन इधर को होगा, यानी यस सर, इस डायरेक्शन को यूजुअली हम नेगेटिव मानते हैं, इस साइड को, यस सर, तो मैं इसके एक्सेलरेशन को माइनस लिखूंगा सर, देखने वाले के हिसाब से वो माइनस इधर माने या उधर, हां माने, तो यूजुअली हम इधर को प्लस मानते हैं और इधर को माइनस मानते हैं यूजुअली एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं नेगेटिव मानूंगा फिर, अगर मैं ऐसा मान रहा हूं तो, और जब मेरा एक्सेलरेशन इधर को होगा तो मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो है तो ये सेंटर की तरफ ही दोनों केस में, लेकिन एक केस में माइनस है, एक केस में प्लस है, ठीक है? यस सर, यस, क्योंकि साइन डायरेक्शन का जो साइन आएगा उससे आएगा कि आपका प्लस पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है, उससे आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस या माइनस हो जाएगा, किसी को और डाउट इसमें? नो सर, ठीक है। तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पता चल गई क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पता चल गई, यस सर, एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा एक चीज और है, वेलोसिटी जब आप यूज करते हो तो आपको कई बार किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो क्या? यस सर, यस सर, यस सर, सर मीटर टू मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर के लिए 5/18 से सर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है, यहां पे क्या लिखा है सर? 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, मींस दिस इज करेक्ट? यस सर, यस सर, क्योंकि यहां पे किलोमीटर है तो यू विल राइट x into 1000 मीटर, यस सर, और आवर इज 3600 सेकंड्स, सेकंड आवर की जगह पे हम सेकंड लिख सकते हैं, तो ये कट के आपका बचेगा 5/18, यस सर,
यस सर। तो ये आपको कई बार यूज करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक हमारा रिक्वायरमेंट होता है। एक्सेलेरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, और एक्सेलेरेशन हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? सर वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने देखा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? यस सर। ओके ठीक है। उसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? यस सर, ऐसी थी वो v = u + kg x / v = kg / 2 a sir v = v / u = 2 a। तीन इक्वेशंस हैं, इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन एंड टाइम। सर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड टी इज इक्वल टू टाइम टेकन। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। यस सर, पर हमारी बुक में सर डिस्टेंस लिख दिया है। हाँ, जब स्ट्रेट लाइन में आप चलोगे तो दोनों सेम होंगे। यस सर, ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, तो आपकी क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो और एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर लो ना अपनी, तो देन दिस विल बी योर, दिस विल बी व्हाट? यस सर, सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस कितना होगा सर? AB + C। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। यस सर। ठीक है, तो आपका जो किताब में क्वेश्चन है ज्यादातर वो ऐसे दिए हुए कि आप स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ पाए, तो बोथ थिंग आर सेम, आइदर यू टेक द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम है तो यूजुअली यस सर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे तो फर्क पड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, यस। ओके, अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी लेते हैं उसकी? सर जीरो। जीरो जीरो जीरो। और सर एक बार सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अभी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अगर हम जानो, ओके अभी समझते हैं, अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं? सर जीरो। सर फाइनल जीरो और इनिशियल लेते हैं कुछ। इनिशियल कुछ लेते हैं, है ना? यस सर। सर क्योंकि कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा तभी ऊपर गया है वो। अच्छा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके। बिल्कुल, अगर आपने इसको ऐसे फेंका है तो यू आपका कुछ होगा, वी आपका जीरो हो जाएगा। यस सर। और ये आपका एस जो है एच के बराबर हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर 11.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है ना? एस्केप 11.2। ओके सर, इस केस में रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा? सर रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन कितना होगा? सर 9.8 पर सेकंड। तो डायरेक्शन के साथ जी -9.8 मीटर पर सेकंड। सर -9.8 मीटर पर सेकंड। -9.8 सेकंड स्क्वायर। तो कई बार 10 भी दे देते हैं सर। रिटार्डेशन तो 9.8 होगा ना, एक्सेलरेशन -9.8 होगा ना। हाँ ठीक है, वो आप उसको बोल लो साइन को, इट्स ओके। रिटार्डेशन इज ओके सर, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। Yes, सर माइनस में ही तो आएगा क्योंकि वो ऊपर की साइड जा रहा है। नहीं सर, वो यही तो कह रहे हैं सर, रिटार्डेशन में तो सर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में आएगा। हाँ, उसका जो वैल्यू है वो 10 ले लेंगे रिटार्डेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रिटार्डेशन का मतलब ही है कि अपोजिट है। यस सर, अब बता दो। हाँ बताता हूँ, इसका जो है आपके जो इक्वेशन है, वी कैन ड्राइव बाय यूजिंग द ग्राफ आल्सो।
आपको इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए ग्राफ से, वो बोल रहे हैं आप? यस सर, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो कैसे करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ से? अगर v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ग्राफ से बनाना है तो कैसे करेंगे सर? एक vt ग्राफ लेंगे। vt ग्राफ लेंगे, ओके। इसको u समथिंग u से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। यस सर। ये क्या है, इनिशियल स्पीड? यस सर। ये जो वैल्यू होगी ये हमारे बराबर होगी किसके, इनिशियल स्पीड के? यस सर। अगर इनिशियल स्पीड 0 होगी तो ग्राफ कहां से शुरू होता है हमारा? सर ओरिजिन से। ओरिजिन से, ओरिजिन से ऐसे होता, यू जीरो होता टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे यू भी हमारा जीरो होता, लेकिन यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे यू जीरो नहीं है, इतना है। तो यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ और ये ऐसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो कैसा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? सर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, ठीक है। यस सर। इसमें इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाय टी होता है, इसलिए इस ग्राफ का जो स्लोप है इट विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं पहले। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, सी, और मैं इसका अगर एरिया निकालूं तो क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आता है ना, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर मैं स्लोप निकालूं तो मेरा आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मुझे इसका इक्वेशन बनानी है, तो मेरे को स्लोप निकालना है इसका, तो वहां से मैं स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं। स्लोप क्या होता है मेरा सर? dc अपॉन चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, या फिर सर tan थीटा भी कह सकते हैं। ओके करेक्ट। एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो है स्लोप ऑफ BC लाइन। तो आप tan थीटा ही बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे, व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर CD बाय BD। CD बाय BD। अब CD कितना होगा हमारा? ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। यस V माइनस CD डेल्टा V होगा। तो ये चीज हमारी फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी विल बी फाइनल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस u, ये चीज आपका जो है v है। यस और ये चीज, इतना चीज आपका u था, ये आप यहाँ पे देख चुके हो। यस सर। यहाँ से यहाँ तक u था, है ना, लिखा इतना है। तो v माइनस u बाय t आ गया ये। यस यस। किसके बराबर आया? a के सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो at कितना आ गया? v माइनस u। तो v कितना आ गया हमारा? u प्लस at। u प्लस at। दिस इज द डेरिवेशन। ओके सर, ठीक। तो ये पूरा ग्राफ आपको प्लॉट करना है, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको पेपर में अगर आएगा स्कूल में, कि ये ग्राफ है ऐसे ऐसे है, पार्टिकल ने u से b से स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल स्पीड u है। सर थर्ड का भी बता दीजिए। हाँ उसका भी कर रहे हैं ड्राइव अभी। एरिया निकालूंगा तो मेरा आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस सर। यस। और अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या रहा था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकालने में यूज कर लिया। अब मैं एरिया निकालता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर करने के लिए। तो मैं लिखता हूं इसका एरिया इक्वल टू डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इक्वल टू एरिया। अब देखो यहां एरिया में दो चीजें, एक तो आपका ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यस सर। यस वी कैन एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है हमारा, तो एरिया ऑफ, ये तो आप ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। यस सर। यस सर। या फिर हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिख रहा हूं मैं रेक्टेंगल का नाम? ए बी डी ई सर। ए बी डी। ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। क्या था? बी डी सी था।
यस सर यस सर बीडीसी ठीक है तो इनका हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है पहले नीचे वाले का एरिया तो ये सर BA इनटू BD सर BA इनटू BD BA इनटू BD कर लो या सर BA इनटू AE AE कर लो और ये कितना होगा BA सर U के इक्वल सर U के इक्वल सर U के और AE कितना होगा सर T सर T सर T यहाँ पर टाइम हो गया टाइम इक्वल टू जीरो था ये T इक्वल टू T आ जाएगा U T आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ U into T अब लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल सॉरी ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट यस सर BD इनटू DC BD इनटू DC तो BD इनटू DC सर जब BD है वो तो सर टाइम है BD तो हमारा टाइम है तो टाइम है और DC क्या है वो सर डेल्टा बी सर V माइनस B माइनस यू तो ये टाइम है और ये V माइनस सर V माइनस यू को हम AT लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं V माइनस यू इक्वल टू AT AT होता है T इनटू AT सॉरी AT आएगा यस सर बिकॉज़ सर ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया यस सर इससे आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल यहां से हमारा आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर तो इससे ये भी ड्राइव हो गया ठीक है यस सर सर हो गया ओके थर्ड बिट ये भी ड्राइव कर लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सर वो उसी के एक स्टेप से हो जाएगा यस सर कैसे सर आप एक बार स्लाइड पीछे कर दीजिए यस सर सर यहाँ पे जो ut प्लस हाफ t इनटू v माइनस u है सर इसमें से हम t जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर वो v प्लस u बाय t आ जाएगा सर उसमें फिर बाद में हम t को v माइनस u बाय a लिख देंगे तो सर उससे निकल जाएगा ओके तो हमें क्या करना है यहाँ पे t को v माइनस u करना है ना t कॉमन ले लेंगे पहले हम यस सर और उसके बाद फिर उसको v माइनस u बाय a कर देंगे ओके तो यहीं से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस s आ रहा था वो एरिया आ रहा था आपका तो वो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लो करके रेक्टेंगल सर कॉपी पेस्ट कर लीजिए कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे आई डोंट नो हाउ टू डू इन दिस BE प्लस BDC तो यहाँ पे कुल मिला के ये स्टेप तो आपका सेम रहेगा पहले UT प्लस हाफ T यस सर T प्लस हाफ T V माइनस U आया था अब क्या करेंगे T कॉमन ले लो बाहर तो ये बन जाएगा U प्लस V माइनस U बाय 2 प्लस हाफ V माइनस ठीक है तो T की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर LCM वगैरह लोगे तो क्या बन जाएगा 2U प्लस V माइनस सर 2U माइनस सर V प्लस U अपॉन 2 तो U प्लस V अपॉन अब t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं हमें पता है u प्लस माइनस u ऑफ मोशन से v माइनस u अपॉन a हो जाएगा ये होता है हमारा v माइनस u इक्वल टू 80 तो वी कैन पुट यहां पे t की जगह पे माइनस u अपॉन a v माइनस u अपॉन a और ये v प्लस u तो है ही आपका ऑलरेडी सर ये v माइनस u v प्लस u सर एक वो बन जाएगा आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा यस सर माइनस u स्क्वायर And this implies that v square minus u square equal to 2as. तो हमने तीनों डेरिवेशन देख लिया? Yes, sir. Okay. सबको क्लियर हुए तीनों डेरिवेशन? कर लोगे? पेपर में आएगा तो? Yes, yes, sir. आगे चलें? Yes. क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक दो तक हमने क्वेश्चन तीन पढ़ी हैं
इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर। ओके पैकेज का ही वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें लिखा स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स which produces uniform retardation of 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before stopping? Okay. Sir, done. Done. Sir, done. Sir, done. Okay. कितना आंसर आया? Sir, 100 meters. Yes. Sir, 100 meters. एक्सेलरेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे u पता है, v पता है, a पता है, सर इसमें टाइम का कुछ वो नहीं, और s निकालना है और टाइम हमें पता नहीं था तो टाइम की इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे हम लोग, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करी, तो हमने लिखा 0 square minus 10 square equal to 0.5 into s minus 100 equal to minus s हो जाएगा, ये s equal to 100 meter, करेक्ट? Yes, sir. सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Okay. Sir, एक और दे दो. How much time will it take to stop? इसी question में? Sir, done. Sir, answer बताओ. बताओ. Sir, 20 seconds. Sir, 20 seconds. Sir, 20 seconds. How much time will it take to stop? बाकी लोगों को भी निकाले दो. देखो कितना निकालते हैं सब लोग. सर 20 सेकंड। 20 कौन सी इक्वेशन लगाई? सर फर्स्ट इक्वेशन। सर फर्स्ट इक्वेशन। U plus 80। 20 सेकंड। तो V is 0, U is 10। 10। A is -0.5। -0.5 sir। This will become -10 equal to -0.5. T will become 10 by। Yes sir, sir. 20 Correct? Yes, sir. Yes, sir. Time when its kinetic energy will become half. ये निकाल सकते हो? Yes, sir. सर डन। सर डन। निकालना तो सबको निकालना तो।
काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ यस सर क्या करोगे सर पहले तो हम ऐसे कुछ सर जो न्यू वेलोसिटी होगी सर वो जो पुरानी वेलोसिटी है सर यहाँ से जब हम देखेंगे तो सर हम फिर उसका रूट कर देंगे तो v is equals to root v not by root 2 हो जाएगा ठीक है बस उसके बाद फिर वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे यस सर v is equals to u plus at सर समझ नहीं आया सर सी पार्ट नहीं आया भाई उसने बोला काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है अभी पढ़ के आए हम लोग सर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर तो भाई इनिशियल स्पीड को ने वी नॉट मान लिया और इस स्पीड को वी मान लिया तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी जब स्कूटर चल रहा था इसकी स्पीड वी नॉट थी मान लो शुरू में और थोड़ी देर बाद वी हो गई फिर जीरो हो जाएगी फाइनली ओके सर तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले वी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर मानी और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मानी कौन सी ज्यादा होगी फर्स्ट पे या सेकंड पे सर फर्स्ट पे सर फर्स्ट पे फर्स्ट पे क्योंकि स्पीड घट रही है आपकी रिटार्ड हो रहा है स्कूटर आपका वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो यार काइनेटिक एनर्जी कम होगी आपकी और यार ज्यादा होगी तो उसमें क्या दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी आधी हो गई यानी ये वाली जो एनर्जी है इसका कितना है इस पार्ट का आधा है जो यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी उसका आधा हो गया यहाँ पे यस सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थी यस सर यहाँ पर यस सर तो और यहाँ पे कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या दिया कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसका आधा है यस सर तो मैंने ये किया हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने क्या किया वन बाय टू ऑफ द हाफ एम वी नॉट स्क्वायर किया तो सर ये वी नॉट 10 मीटर पर सेकंड हो गया हाँ वी नॉट हमारा 10 दिया हुआ था क्वेश्चन में तो सर 5 रूट 2 करेक्ट बिल्कुल 5 रूट 2 हो जाएगा ये तो वी नॉट 5 रूट 2 हो गया अब वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो वी कितना लिखोगे यहाँ पे सर सॉरी 5 रूट 2 सर 5 रूट 2 आपको यहाँ से निकालना है ये निकालना टाइम इसके बीच का टाइम कितना है यस सर मेरा फाइनल स्पीड ये वाली होगी और इनिशियल ये वाली होगी सर 10 मीटर पर सेकंड ये 10 है इसको सॉल्व कर लेंगे अभी समझ में आया जो डाउट पूछे थे हमें यहाँ पे ना वेलोसिटी दी उसने डायरेक्ट उसने बोला काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लगा के पहले वेलोसिटी निकाल ली यस सर तो मैंने देखा मेरी काइनेटिक एनर्जी जब आधी होती है तो वेलोसिटी मेरी v बाय रूट टू हो जाती है v नॉट बाय रूट टू तो मैंने v फाइनल को जो है v नॉट बाय रूट टू ले लिया और वहां से मैंने फिर टाइम निकालने की कोशिश करी कि टाइम कितना लगेगा मुझे जिन्होंने डाउट पूछा था उनको क्लियर हुआ डाउट पूछा था जिन्होंने अभी नहीं हुआ समय को सर थोड़ा थोड़ा हो गया सर सर एक बार जरा फिर से बता दो भाई क्वेश्चन में क्या बोला काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ जब हाफ हो जाती है कितना टाइम लगेगा हाफ होने में ये पूछा है यस सर काइनेटिक ठीक है काइनेटिक एनर्जी आपकी घट रही है टोटल जब रिटार्डेशन कर रहे हो स्कूटर का यस सर तो कहीं पे हाफ भी होगी यस सर होगी तो मैंने मान लिया कि यहां पे हाफ हो गई इस पॉइंट पे ओके सर मान लिया तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी बी मान ली ओके सर और इनिशियल को मैंने वी नॉट मान लिया ठीक है इनिशियल स्पीड मैंने वी नॉट मान ली जो 10 दी हुई है आपको ऑलरेडी यस सर तो मैंने क्या लिखा कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो आधी है किसकी इनिशियल एनर्जी की इसकी ओके सर ठीक है यहाँ से मैंने फिर वी निकाल लिया इसको हाँ सर वी निकाल लिया यहाँ से वी निकाल लिया तो आ जाएगा आपका वहां से ओके सर ओके आ गया ठीक है और किसी को डाउट है अभी भी
नो सर नो सर ओके तो ठीक है, इसके अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके सर, बाकी लोग जो हैं वो एक बार पढ़ के आए चैप्टर, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है अगर एक बार भी, तो वो लोग एक बार पढ़ ले सारी डेफिनेशंस वगैरह जो है इसकी, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया इसका क्या है, तो अगली क्लास में थोड़ा सा और देखते हैं और स्ट्रांग हो जाएगा आपका थ्योरी। यस ओके सर। ओके सर सॉरी सर, मुझे वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन में सर डाउट था। अच्छा पहले इनको सब लोगों को मेरे को करने दो, फ्री करने दो, फिर करते हैं डिस्कस। बाकी लोग कौन पूछ सकता डाउट अभी, कौन पूछ सकते हैं, पूछ रहे थे कौन, पूछ रहे जैद, जैद पूछ रहे थे, बताओ क्या बोल रहे थे आप सर, के मॉड्यूल क्वेश्चन भी करेंगे थ्योरेटिकल, हाँ थ्योरेटिकल भी करेंगे, दोनों करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, बाकी लोग फ्री हैं, बाकी लोग चाहे तो जा सकते हैं सर। ग्रुप तो सर बना नहीं सर, आप स्ट्रेंज मैटर या स्ट्रेंजर्स समझा देंगे? हाँ मैडम को बोलो, उन्होंने दो ग्रुप बनाए आज ही, उसके मैंने आपके क्लास के लिए दूसरे क्लास के बनाए, तो आप लोग भी बोलोगे तो बना देंगे मैडम। सर एक बार वो समझा दो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा चैप्टर, दोबारा देख लेंगे अभी, वन बाय वन होने दो, है ना, वन बाय वन होने दो, आएगा तो उसको भी देख लेंगे उस टाइम पे। हाँ जी बोलिए सर। हाँ यस मलस बोलिए बोलिए। ओके ठीक है, बाकी लोग फ्री हैं, बाकी लोग चाहे जा सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? यस सर, सर मैं मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि सपोज कोई एक बॉडी है और सर उसे हमने किसी एक फ्लूड में हमने उसे मतलब डाला है और वो वहां पे फ्लोट कर रहा है, है ना सर, तो इस केस में जब हम अगर इस बॉडी को हमें उस फ्लूड से बाहर निकालना है और उसके बाद फिर हमें किसी हाइट पर ले जाना है या फिर जस्ट हमें इसे बाहर ही निकालना है, तो सर उस केस में जब हम वर्क करेंगे तो मुझे एक ये पूछना था कि हर इंस्टेंट पे वहां पे फोर्स हमें चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स बायोंसी घटेगा। हाँ लेकिन फ्लूड माय बॉडी एक्सटेंडेड है या पॉइंट मास माना है बॉडी को, उस पर डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट मास माना है मान लो और उसने ऐसे उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गया, तो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स आप कांस्टेंट मान सकते हो एक, यस सर, और फिर यहाँ से यहाँ तक का कुछ फोर्स F2 मान सकते हो, तो वर्क डन हम F1 into H1 plus F2 into H2 ऐसे करके कर सकते हैं कुछ। यस सर, तो यूजुअली ऐसा ही होगा और इसका चांस बहुत कम है कि आपको जो है ऐसा माना होगा उसने कि एक्सटेंडेड है और फिर आप उसको बाहर निकाल रहे हो, तो फिर ऐसा तो ये केस नहीं होगा, यूजुअली पॉइंट मास माना गया होगा। ओके सर, ठीक है ओके सर। और डाउट सर, हमें इसमें भी सेंटर ऑफ मास से लेके करना होगा? नहीं नहीं, इसमें सेंटर ऑफ मास का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो पॉइंट मास है ना, आपने उठा के पॉइंट मास को ही उठा के आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट नहीं है ना। सेंटर ऑफ मास तब होता है अगर बड़ी बॉडी होती है कोई, तब हम सेंटर ऑफ मास सोचते हैं, पॉइंट मास है उसका सेंटर यहीं पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ओके सर, और सर एक ये बात पूछनी थी, जैसे हम जब मोटर का पावर निकालते हैं तो सर उसमें हम एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं? वो दिया होगा कुछ आपको कि मोटर इतना पानी उठा के इतना ऊपर फेंक रही है, ऐसा कुछ दिया होगा तो। ओके सर, सर मतलब सपोज कुछ ऐसा है कि एक मोटर जो है पानी निकाल भी रही है और फेंक भी रही है, तो एनर्जीज एक तो हम पहले जो पानी उठाया उसकी पोटेंशियल एनर्जी और फिर जिस से फेंक रही है दोनों को ऐड करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, ऐसा है। ओके सर, और बताइए
सर मैंने सर मैसेज में लिंक शेयर कर दिया सर, आप उससे ज्वाइन कर लो सर। सर ग्रुप बना दिया है। किसने बनाया? यस सर, मैंने बना दिया। आप बताइए, मैडम को बोलिए ना ऑफिशियली बनाना। सर हमने सर बायोलॉजी का भी बनाया था सर। वो देखो आ भी रहा है उसमें, आई विल मेक द ग्रुप एडमिन। मैडम ने लिखा है मनोज मैम बनाएगी। हाँ मैडम बना देंगे, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि सब लोग बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कई सारे ग्रुप बन जाएंगे। मैं ज्वाइन कर लूंगा उसको ठीक है, आप लोग भी ज्वाइन कर लेना जो मैडम बताए वो करेंगे। सर एक डाउट मुझे भी है सर, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, मनोज ये शेयर करा दीजिए। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स देन ग्राफ ऑफ द पावर इज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो पावर ओके इसको देखो, फोर्स कांस्टेंट है आपका, पावर का ग्राफ बनाना है। पावर क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, इन्हें निकाला था ना सर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यस सर। यस सर। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। यस सर। तो v ठीक है, v को क्या लिख सकते हैं, u + at लिख सकते हैं या फिर at लिख सकते हैं केवल। यस सर। अगर मैं u को 0 मान लूं तो ये लिख सकता हूं मैं। यस सर। ओके अब मेरे को ग्राफ किसके बीच का बनाना था, पावर और टाइम के बीच का। ओके सर, पावर और टाइम का बीच स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। पूछना था सर एक सेकंड सर, अगर उसमें ग्रुप मैडम बना देंगे, मैडम बता देंगे आपको, बनाएंगे तो आपको लिंक भेज देंगे सबको। गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय बाय। सर अगर हम उस केस में पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते तो सर उसमें टाइम तो सर वो इनवर्सली करता ना उससे, सर मैं इसलिए कंफ्यूज होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आता, हाफ एटी स्क्वायर आया था ना, यहां भी टाइम आया था ना फिर। हां यस सर। फिर वो टाइम एक पावर कट के फिर ऊपर टाइम आया था। ओके सर, मतलब हम डायरेक्टली एस को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हमें जो फाइनल बिल्कुल सब कुछ काट के उसको फॉर्म में चेंज करके वो आएगा, उससे हम करेंगे प्रोपोर्शनल। हां माने हमें ये तो पता हो जाए, तो ये पता हो कि एस कांस्टेंट है तो हमें ये पता हो, तो एस तो कांस्टेंट नहीं है हमारा। यस सर। तो वी डायरेक्टली वी कैन नॉट से कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दिस टाइम, जब तक हमारा एस कांस्टेंट ना हो। यस सर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। ओके यस सर, थैंक। ओके वेलकम, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय एवरीवन।